हेलो गाइस, आज हम फाइंड करेंगे क्यूब रूट ऑफ 64/125। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता है ऐसे क्वेश्चन। सो मैं शुरू करता हूँ। उससे पहले गाइस, सबसे पहले जो ये क्यूब रूट निकालना है, हमें एक फ्रैक्शन का निकालना है 64/25। तो आपको इसको सॉल्व करने से पहले आपको जो 64 है और 125 को अलग अलग कर देना है, यानी कि जो क्यूब रूट लग रखा है दोनों पे एक साथ उसे अलग अलग कर देना है। यानी कि ये 64 हो जाएगा, इस पे अलग क्यूब रूट और 125 पे अलग क्यूब रूट। अब इसे सेपरेट सॉल्व करेंगे। तो 64 को सबसे पहले हम निकाल, अगर हमें क्यूब रूट निकालना है 64 का, तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 64 को निकालेंगे तो 2 से हो जाएगा 32, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16, 2 से करेंगे ये हो जाएगा हमारा 8, 2 से करेंगे ये हो जाएगा हमारा 4, 2 से करेंगे ये हो जाएगा हमारा 2, एंड 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1। अब क्या करना है आपको, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है तो तीन तीन का ग्रुप बनाना है। एक तीन ग्रुप बन गया सेम नंबर का, तो क्या करना है आपको, तीन नंबर का ग्रुप बनाना है, तीन प्राइम नंबर्स का ग्रुप बनाना है। और यहीं ऐसे ही आपको तीन नंबर का ग्रुप बनाना है। तो जो ये तीन नंबर है आप उनको बस आपको एक नंबर मान के चलना है। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2, और ये जो तीन नंबर है उसको हम मानेंगे 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4। तो यानी कि इसका आंसर आ गया हमारा 4। अब क्या है हमारा 125 के लिए भी ऐसे ही करना है आपको। सिंपली आपको 125 का क्यूब रूट निकालना है। सो क्या ये 2 से जाएगा? नहीं, 3 से जाएगा नहीं, डायरेक्ट 5 से जाएगा। तो 5 से कितनी बार में जाएगा? 2 और 5 बार में, 25 बार में। फिर ये आएगा 5 से जाएगा तो ये हो जाएगा 5, फिर जाएगा ये 5 बार में तो ये जाएगा 1। यहाँ बन गया हमारा तीन नंबर्स का ग्रुप। तो जो तीन नंबर 5 है उसको हम एक 5 मानेंगे, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 5 आंसर। तो यानी कि इसका आंसर हो गया हमारा 5, तो टोटल आंसर हो गया हमारा 4/5। इजी का आंसर। तो ऐसे फाइंड करते हैं क्यूब रूट हम, ठीक है। लेकिन अगर आपका डेसिमल में आता है, डेसिमल में निकालने के लिए हमारा एक अलग से मेथड होता है, डिवीजन मेथड, तो वो अलग मेथड है। लेकिन अगर आपका क्यूब अगर जो हमें नंबर दे रखे हैं अंदर क्यूब रूट के अंदर, अगर वो परफेक्ट क्यूब नंबर है, देन डेफिनेटली हम इस मेथड से हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप वो डेसिमल नंबर में आ जाता है तो गाइज आपको दूसरा मेथड होगा, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।